पाइल्स फिशर फिशुला, इसका ऑपरेशन करने के बाद में फिर भी बार बार लोगों को तकलीफ होती रहती है, तो क्या करना चाहिए? क्या फिर से ऑपरेशन कराना चाहिए या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसी बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑपरेशन करके वापस आते हैं और फिर से उनको तकलीफ हो जाती है, फिर से उनको दर्द होने लगता है, फिर से उनको खून जाने लगता है। सो ऑपरेशन करने के बाद में भी तकलीफ हो गई तो उनको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन फेल हो गया क्या? तो क्यों ऐसे सिम्टम्स आते हैं, और अगर आप ऑपरेशन करा चुके हैं तो आपने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे ये तकलीफ आपको बार बार ना हो, इसी बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको पाइल्स की शिकायत है या फिशर की शिकायत है या फिशुला की शिकायत है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो एक बार, दो बार, तीन बार सर्जरी करा के वापस मेरे पास आते हैं, उनको फिर से तकलीफें चालू होने लगती है, फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, लैटरिन के बाद बहुत ज़्यादा बहुत देर तक पेन उनको रहता है, कभी कभी ब्लीडिंग खून आना भी फिर से शुरू हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है, जो दैनंदिन काम होते हैं वो करने में भी उनको काफ़ी दिक्कत होती है, और पाइल्स की समस्या ऐसी है जो छुपा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये तकलीफ़ें वापस क्यों होती है ये हम समझेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम ये समझेंगे कि क्या आपने करना चाहिए ऑपरेशन करने के बाद। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पाइल्स क्या होते हैं। पाइल्स यानी कि लैटरिन की जगह पर जो मस्से के जैसा बाहर भाग आता है उसे हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स। इसके ऊपर अलग से मेरा वीडियो है, पाइल्स होते क्यों हैं, इसके कारण क्या है, घरेलू उपाय क्या करने चाहिए, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसी के साथ साथ मेरा एक वीडियो है जो बहुत लोगों ने पसंद किया है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखने के बाद फ़ायदा भी हुआ है कि पाइल्स में, फिशर में और फिशुला में क्या फ़र्क है, तीनों में क्या अंतर है और क्या क्या तीनों में लक्षण होते हैं, इसके ऊपर भी मेरा ये वीडियो है, ये भी आप याद से देखिए। अब इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ऑपरेशन करने के बाद में भी तकलीफ क्यों होती है। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ तक हो सके आप दवाई से ये बीमारी को ठीक कीजिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा अगर दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, पेशेंट को सहा नहीं जा रहा है, खून बहुत ज़्यादा निकलता है, फिशुला की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है, तो लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। तो पाइल्स, फिशर, फिशुला में ऑपरेशन कर लिया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऐसा नहीं है, कारणों के ऊपर फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको इमीडिएटली करना है। ऑपरेशन के बाद पहला काम जो आपने करना चाहिए वो है सिड्स बाथ लेना। सिड्स बाथ यानी कि क्या, आपको एक टब लेना है छोटा, उसमें पानी डाल के उसमें आपको बैठना है, उसमें आप थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर डेटॉल भी डाल सकते हैं, 15 मिनट तक के आपको उसमें बैठना है। 15 मिनट आप जब ये बैठते हैं, आपको ये दिन में 2 से 3 बार कम से कम करना चाहिए 15 दिन तक के। इससे क्या होगा, आपकी जो एनल रीजन की जो ऊंड है वो भी जल्दी से हील हो जाएगी, जो ऑपरेट किया है, जो जख्म वहाँ पर हो गई है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, आपको जो पेन होता है वो पेन में भी आपको रिलीफ होगा, और क्या होगा, और हाइजीन मेंटेन रहेगी। लेकिन याद रखिए, आपने क्या करना है, टब में कुमकुमा पानी लेना है, थोड़ा सा आप हल्दी डाल सकते हैं या फिर डेटॉल डाल सकते हैं, लेकिन जिन डॉक्टरों ने आपकी सर्जरी की है उस डॉक्टर की सलाह भी आपको एक बार लेनी चाहिए, क्योंकि ऊंड किस तरह की है ये समझना भी उसमें ज़रूरी होता है। सो सिड्स बाथ से आपको काफ़ी आराम पड़ेगा और जल्दी ऊंड हील हो जाएगी, आगे चल के ये समस्या होने की संभावना भी कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है हाई फाइबरस डाइट लेना। इससे क्या होगा, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। फाइबर्स यानी कि रेशेदार सब्जियाँ, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, इसे हम कहते हैं फाइबर्स। ये फाइबर क्या करते हैं, आपकी जो लैटरिन है उसको स्मूथ बनाते हैं, ताकि आपकी लैटरिन की जगह पर जो प्रेशर बनता है वो बनेगा नहीं, आपका पेट साफ होगा, आपकी लैटरिन स्मूथली हो जाएगी, जिससे आपकी जो समस्या है, अगर आपको पाइल्स का आपने ऑपरेशन किया है तो जो प्रेशर वापस से बनता है वहाँ पर वो बनना रुक जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 1 महीने तक कम से कम रेगुलरली आपने दोनों बार हाई फाइबरस डाइट लेना चाहिए। इसके ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियो है,
क्या खान पान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों में ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, ये वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देखिए, आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना, यानी कि भरपूर पानी पीना। बहुत बार ऐसे होता है काम के गड़बड़ी में पानी पीने की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो ऑपरेशन के बाद आपको याद रखना है पानी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ये आप कैसे करेंगे, आप जहाँ पे भी काम करते हैं टेबल पे एक बोतल रखिए, पानी से भरा हुआ ग्लास रखिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीने की आदत डालिए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। इससे भी आपका कंस्टिपेशन कम हो जाएगा, आपके आप भरपूर अगर पानी पीते हैं तो आपकी लैट्रिन जो है वो सॉफ्ट होगी, कड़क नहीं होगी, कंस्टिपेशन कम होने में इससे काफ़ी मदद होगी। सो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपने पीना ही चाहिए, इससे आपका उंड हीलिंग भी अच्छा और फास्ट होगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो है घूमना है, आपने पैदल चलना है। चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से होगी, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जिससे आपका पचन अच्छा होगा, लैट्रिन स्मूथ हो जाएगी और लैट्रिन की जगह पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो भी नहीं होगा। आपके पचन को अच्छा बनाने के लिए चलना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 40 मिनट आपने रोज़ चलना है, ये ऑपरेशन के बाद आपने एक आदत सी डाल देनी है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कंस्टिपेशन की शिकायत है फिर भी आपने लैट्रिन को बैठने के बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो बैठ के स्ट्रेंथ देते, ताकत देते, जोर लगाते, इससे क्या होगा, इससे अगर आपकी उंड वहाँ पे हो गई है, जख्म है, वो और खुल सकती है, फट सकती है। सो प्रेशर नहीं लगाना है, आराम से बैठना है आपको, जब भी लैट्रिन आए तुरंत चले जाइए, बैठिए और वापस आ जाइए, बहुत ज़्यादा ताकत मत लगाइए। व्यायाम के बारे में मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज के बारे में मैंने बताया, लेकिन हेवी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा भारी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइज कुछ दिन आपको अवॉइड करने हैं। उसी के साथ साथ ज़्यादा देर तक एक जगह पर आपने बैठे नहीं रहना है, अगर आप बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं तो इससे भी तकलीफें बढ़ सकती है। सो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद आपने खड़े होना है, उठना है, थोड़ा पैदल चलना है, वापस आप बैठ सकते हैं, एक साथ बहुत देर तक नहीं बैठना है, इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, ऑपरेशन के बाद आपने जिस डॉक्टर से भी ऑपरेशन कराया है उनको 1-2 बार आप ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि वो फिर से चेक करे उंड अच्छे से हील हो रही है नहीं हो रही है, वो अच्छे से देख सके। सो उनको भी 1 से 2 बार आप ज़रूर दिखाइए। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप होम्योपैथी की दवाई शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, जब तक कारण रहेगा ये बीमारी फिर से हो सकती है। एक बार जो मस्सा आया था उसे तो डॉक्टर ने काट दिया, लेकिन जो मस्सा आने का कारण है वो जब तक रहेगा, जब तक आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका पचन अच्छा नहीं होगा, जब तक आपको एसिडिटी रहेगी, ये समस्याएं बार बार हो सकती है। सो कोशिश कीजिए, पहले तो ऑपरेशन टालना चाहिए, लेकिन फिर भी कराना पड़ा है, आपकी मजबूरी है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, अब आप होम्योपैथी की दवाई शुरू कर दीजिए। आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है फिर भी आप कुछ दिन होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथिक दवाइयाँ बिना साइड इफ़ेक्ट की होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन याद रखिए खुद के मन से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। पाइल्स फिशर फिचुला में होम्योपैथी से बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था, ऐसे पेशेंट्स भी पूरी तरह से ठीक हो गए। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी बड़े बड़े मस्से थे, वो भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए। सो आप मेरे क्लिनिक में भी आ सकते हैं, अकोला में रामनगर में मेरा क्लिनिक है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपकी जो भी समस्या है आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको क्या तकलीफ़ है व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, हम कंसल्टिंग करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी मिल सकती है। सो याद रखिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ साथ में कुछ खान पान की परहेज, लाइफ स्टाइल में चेंजेस, ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो इस समस्या से पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं और बार बार होने वाली जो शिकायतें हैं उससे भी आप बच सकते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे नए वीडियोज़ सबसे पहले आप देख सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।